जी बेटा वालेकुम अच्छा जी लास्ट टाइम हम क्लास में हम बात कर रहे थे अलकन्स की ठीक है तो मैं अभी आपके साथ अलकेंस ही डिस्कस करूँगा ताकि जो लास्ट टाइम हमारा क्लास में रह गया था वो हम यहाँ पे आ, देख लेते हैं ठीक है जी तो अलकीस के बारे में जो हमने बात की थी अल्केंस को हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया था कि अल्केंस क्या होते हैं दे आर अन हाइड्रोकार्बन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंपली मीन्स दैट हाइड्रोकार्बन सिंपली मीन्स दैट दे हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड अनसेचुरेटेड मीन्स देर मस्ट भी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ठीक है जहां बात अनसेचुरेटेड की आ गई तो जस्ट सिंपल आपको ये ध्यान रख लेना है कि अनसेचुरेटेड सिंपली मीन्स के देअर मस्ट बी एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ठीक है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जो है वो होगा जब हम अल्किन्स की बात करते हैं ठीक है तो अल्किन्स का जनरल फार्मूला हमने क्या कहा था जनरल फार्मूला ऑफ अल्किन्स इज सी एन एच टू एन प्लस टू सी एन एच टू एन सॉरी सी एन एच टू एन दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्किस ठीक है ये क्या हो गया दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन यानी आपने किसी भी अल्कीन का मॉलिकुलर फार्मूला देखना है तो जस्ट सिंपली एन की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पुट करें फॉर एग्जांपल इफ़ एन इज इक्वल्स टू टेन मतलब आपको टेन कार्बन वाले अल्कीन का फार्मूला देखना है तो ये क्या हो जाएगा सी टेन एच टू मल्टीप्लाई बाय टेन दैट वुड बी इक्वल्स टू सी टेन एच ट्वेंटी तो टेन कार्बन वाले अल्कन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा सी टेन एच ट्वेंटी ठीक है जी तो अल्किन्स सिंपली क्या हो गए अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स ठीक है देर मस्ट बी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट मीन्स के ये अनसेचुरेटेड होगा ठीक है एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कि्कीन यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ठीक है जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन यानी इसके थ्रू आप पहचानेंगे कि जी दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन ये अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप हो गया ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा नेमिंग ऑफ अल्कीन्स के ऊपर नेमिंग ऑफ अल्कीन्स ठीक है जी नेमिंग ऑफ अल्किस की और साथ में हम इनका जो है वो स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो स्मॉलेस्ट अल्कीन है स्मॉलेस्ट अल्कीन मैंने आपसे कहा था कि इसमें एटलीस्ट दो कार्बन होंगे क्योंकि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिक्वायर है तो स्मॉलेस्ट अल्किन का स्ट्रक्चर कैसा होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इन क्योंकि चार बॉन्ड पूरे करने होते हैं एक कार्बन ऑलरेडी दो बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे दो हाइड्रोजन इसके साथ आ गए और दो हाइड्रोजन इसके साथ आ गए तो ये मॉलिक ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया और इसी को अगर हमें मोलिकुलर फॉर्म में लिखना होगा तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा दिस वुड बी सी टू एच फोर और दो कार्बन वाला जो अल्कन होगा ठीक है टू के लिए हम टर्म क्या यूज़ करेंगे टू कार्बन हैं तो टर्म क्या यूज़ होगी एथ टू कार्बन है तो टर्म क्या यूज़ होगी एथ और क्योंकि ये अल्कीन है तो इसके नाम के आखिर में क्या आ जाएगा ईन ईथीन जैसे दो कार्बन वाला अल्केन था ईथेन ऐसे दो कार्बन वाला अल्कन क्या हो जाएगा ईथीन हो जाएगा ठीक है तो ये इथीन इसी तरीके से अगर हमने तीन कार्बन ड्रॉ किए लाइट से वन टू थ्री और यहाँ आपने डबल बॉन्ड लगा दिया ठीक है इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे दो हाइड्रोजन इसके साथ इसके साथ दो तो और एक तीन हाइड्रोजन पहले ही हैं एक आपने यहाँ लगा दिया चार हो गए और वन टू थ्री ठीक है ये हमने स्ट्रक्चर पूरा किया इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या बन जाएगा सी थ्री एच काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हाइड्रोजन जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल और इसका नाम क्या हो जाएगा क्योंकि ये तीन कार्बन है तो ये क्या क्या प्रॉप तीन कार्बन के लिए प्रॉप और क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली तो ये प्रोपीन तो मतलब दो कार्बन वाला अल्किन इथीन तीन कार्बन वाला प्रोपीन इसी तरीके से चार कार्बन होंगे तो ब्यूटीन अब सपोज अगर चार कार्बन है ठीक है अब चार कार्बन से आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझनी है कि लेट से कि अगर हमारे पास चार कार्बन वाला अल्कीन है वन टू थ्री फोर और मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे टू इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे वन इसके साथ टू हाइड्रोजन्स इसके साथ थ्री हाइड्रोजन्स ठीक है जी तो अगर आप देखें तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या बन रहा है वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये मॉलिकुलर फार्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे सी फोर एच एट ठीक है सी फोर एच एट जो है ये इसका मोलिकुलर फार्मूला बन रहा है हम यहाँ पे इसका मोलिकुलर फार्मूला लिख देते हैं कि द मोलिकुलर फार्मूला एज सी फोर एच एट ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया अच्छा अब अगर आप देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा चार कार्बन है तो दैट मीन्स इट इज ब्यूट चार कार्बन है तो ब्यूट और क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए क्या कहलाएगा ब्यूटीन ब्यूटीन ठीक है चार कार्बन है तो मतलब ये क्या हो गया ब्यूटीन ठीक है बट यही चार कार्बन वाला स्ट्रक्चर आप एक और तरह से भी बना सकते हैं यानी हम चाहें तो ये वन टू थ्री फोर अभी आपने डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान लगाया था अगर लेट से हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। तो अब क्या होगा इसके साथ दो हाइड्रोजन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट ये भी सी फोर एच एट है तो मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है पहले दो कार्बन के दरमियान और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है सेंटर वाले दो कार्बनस के दरमियान तो मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई तो मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि दीज टू स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर ये दोनों आपने क्या बना दिया आइसोमर्स आइसोमर्स क्या होते हैं विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला तो ये दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है ठीक है तो अब यहां पे अगर हमें इन दोनों को नाम देना होगा यानी तीन कार्बन तक तो आपने सिंपली क्या किया था कि तीन कार्बन थे तो आपने इसको एक कार्ब दो कार्बन वाला स्ट्रक्चर इथिन इसी तरीके से तीन कार्बन वाला स्ट्रक्चर प्रोपीन अब ये जो चार कार्बन है चार कार्बन में आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि डबल बॉन्ड क्योंकि अगर मैं खाली ब्यूटीन लिखता हूं तो फिर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है तो अब दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर है इसके लिए हमें डबल बॉन्ड को नंबरिंग करनी पड़ेगी और नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी नंबरिंग अब हमेशा स्टार्ट करेंगे टर्मिनल कार्बन से टर्मिनल कार्बनस कौन से होते हैं बिल्कुल जो हमारे आखिरी लास्ट वाले कार्बनस होते हैं ठीक है थीके? ये टर्मिनल कार्बन हैं तो हमने लेट से इसमें स्टार्ट की नंबरिंग यहाँ से यहाँ से स्टार्ट की वन टू थ्री फोर हमेशा आपने छोटे नंबर्स देने हैं ठीक है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को स्मॉल नंबर मिले यानी अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो ये हो जाता है वन टू थ्री फोर तो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है थ्री और फोर और यहाँ से मिल रहा है तो वन और टू तो हम वन टू को जो है वो प्रेफर करेंगे तो ये पहली वाली नंबरिंग के हिसाब से डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है वन और टू के दरम्यान में आ रहा है तो वन और टू के दरम्यान में आ रहा है तो आप नंबर देंगे वन जो स्मॉल नंबर होगा वो आप वो नंबर देंगे ठीक है तो ये जो आपने नाम लिखा था इस नाम को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं दिस वुड बिकम ब्यूट ब्यूट डैश वन इन डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी ब्यूट वन इन कि चार कार्बन है ब्यूट मतलब चार कार्बन है वन इन मतलब पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है ऐसी अगर हम यहाँ नंबरिंग करें तो देखें यहाँ पे आप कहीं से भी नंबरिंग करें सेम नंबर आएंगे वन टू थ्री फोर टू और थ्री के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ से नंबरिंग करें तो वन टू थ्री फोर टू और थ्री के दरमियान तो मतलब कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं टू थ्री फोर तो कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर थ्री के दरमियान है तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूट और छोटा नंबर देंगे टू इन तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन यानी चार कार्बन वाला अल्कीन जिसमें पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है और चार कार्बन वाला अल्कीन जिसमें दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ इच अदर ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे कि दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ इच अदर दीज टू आर आइसुमर्स ऑफ ईच अदर ठीक है जी अच्छा अब इसी तरीके से लेट से आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपसे कहा जाए कि जी ड्रॉ एनी थ्री पॉसिबल आइसोमर्स सपोज मैं एक क्वेश्चन जो है वो यहां पर लिखता हूं मैं कहता हूं कि जी ड्रॉ एनी थ्री पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ सी फाइव एच टेन सी फाइव एच टेन के आपको कोई भी तीन पॉसिबल आइसोमर्स बनाने ड्रॉ एनी थ्री पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ सी फाइव एच टेन अब यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि आपको मतलब किस टाइप के आइसोमर्स बनाने कोई भी तीन बना दें अब पहली चीज़ तो आप ये देखेंगे कि सी फाइव एच टेन इज इट एन अल्केन और अल्कीन ये अल्केन है या अल्किन है पहली चीज़ जो आपने सिंपल देखनी है कि ये सी फाइव एच टेन इज इट एन अल्केन और अल्कीन तो पाँच कार्बन है और दस हाइड्रोजन है मतलब डबल हुए हैं तो दैट मीन्स कि ये अल्कीन है है दिस इज़ अनसेचुरेटेड अगर टेन प्लस टू ट्वेल्व होते तो सैचूरेटेड होता तो सी फाइव एच टेन मतलब ये अनसेचुरेटेड है ठीक है तो पहला इस उम्र तो आपने बनाया आपने कहा जी सबसे पहले तो स्ट्रेट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सबसे सिंपल वाले सबसे पहले बनाए तो वन टू थ्री फोर फाइव पाँच कार्बन यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड बना दिया ठीक है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन ये सी फाइव एच टेन एक आइसोमर बन गया ठीक है और इसका नाम क्या हो जाएगा ये अगर हम इसको नंबरिंग करें तो नंबरिंग के हिसाब से ये क्या बन रहा है कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री फोर फाइव ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट वन के बाद आ रहा है वन इन पेंट वन ई ठीक है इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इसमें ठीक है पांच कार्बन ही रहे वन टू थ्री फोर फाइव बट डबल बॉन्ड आपने यहां लगा दिया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये मैं हाइड्रोजन से नहीं लगा रहा जस्ट आपने ज्यूम कर लेना यहाँ पे हाइड्रोजन थे आपने लगाने होंगे ठीक है तो अब यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो इसका इसके पास क्या कहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो ये क्या कहलाएगा पेंट टू इन मतलब दिस इज पेंट टू इन पेंट वन इन एंड पेंट टू इन तो ये दो आइसोमर्स बन गए अब तीसरा आइसोमर है अब अगर लेट से मैं सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी ठीक है एक डबल बॉन्ड को एक पोजीशन और आगे ले जाते हैं ठीक है अभी पेंट वन इन बनाया है पेंट टू इन बनाया है अब लेट से हम पेंट थ्री इन बना लेते हैं तो आपने क्या किया जी वन टू थ्री फोर फाइव आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब अगर आप नंबरिंग करेंगे ठीक है तो नंबरिंग जो है वह अब आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव और अगर आप दूसरे एंड से नंबरिंग करें ठीक है अगर आप दूसरे एंड से नंबरिंग करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव तो देखें ग्रीन वाली साइड से हमने जब नंबरिंग करिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए तो थ्री और फोर के दरम्यान डबल बॉन्ड आ रहा है और राइट साइड से करिए तो टू और थ्री के तो करेक्ट नंबरिंग क्या होगी टू एंड थ्री ठीक है जहाँ से छोटा नंबर मिले वो सेलेक्ट करना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पेंट और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है टू के बाद टू इन तो ये तो मतलब हम पहले ही बना चुके हैं पेंट टू इन तो हम पहले ही बना चुके हैं तो मतलब ये तीसरा आइसोमर नहीं है या तो आप ये बना लें या ये बना लें दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं ठीक तो है तो पेंट टू इन हम पहले ही बना चुके हैं तो दैट मीन्स के ये हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं हो सकता ये रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है आई होप ये बात क्लियर हो गई कि ये स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते ठीक है तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है तो अब तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तीसरे स्ट्रक्चर के लिए आप सिंपल ये सोचें कि सी फाइव एच टेन का हमें पॉसिबल आइसोमर बनाना है और इसमें इन्होंने कहीं हमें ये नहीं कहा कि जी आपने अल्किन ही बनाना है सी फाइव एच टेन का आप एक और आइसोमर बना सकते हैं जो कि अल्किन तो नहीं होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा ठीक है वो क्या होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी सी फाइव एच टेन का तीसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है हम सिंपल कह देते हैं कि जी पांच कार्बन है तो वन टू थ्री फोर फाइव हमने पांचों कार्बन को ऐसे साइकिल में अटैच कर दिया अब अगर आप देखें हाइड्रोजन लगाएं वन टू इसके साथ दो हाइड्रोजन आएंगे इसके साथ दो हाइड्रोजन क्योंकि सब ने पहले ही दो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो सबके साथ दो दो हाइड्रोजन आएंगे तो जब सबके साथ दो दो हाइड्रोजन आएंगे तो टोटल तो हाइड्रोजन कितने हो गए टेन तो ये भी बन गया सी फाइव एच टेन अब ऑल दो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है ठीक है बट ये डिफरेंट स्ट्रक्चर तो है सी फाइव एच टेन का तो ये आइसोमर तो कहलाएगा क्योंकि इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन रहा है सी फाइव एच टेन और इसका नाम हुआ क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है और पाँच कार्बन है और क्योंकि इसमें तमाम कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो दैट मीन्स ये अल्किन नहीं है ये अन नहीं है बल्कि सैचुरेटेड है तो इसका जो नाम होगा ये कहलाएगा साइक्लो क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो जो भी कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में होगा वो कहलाएगा साइक्लो और क्योंकि पांच कार्बन है तो पेंट और बिकॉज इट इज सेचुरेटेड तो ये अल्केन फैमिली से होगा तो नाम के आखिर में क्या आ जाएगा एन साइक्लो पेंटेन साइक्लो पेंटेन तो सी फाइव एच टेन का तीसरा जो पॉसिबल आइसोमर आप बना सकते हैं दैट इज साइक्लो पेंटेन ठीक है इसी तरीके से आप सी थ्री एच सिक्स का भी मतलब सी थ्री एच सिक्स है तो उसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कम से कम तीन कार्बन होने चाहिए दो कार्बन वाले स्ट्रक्चर का साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जैसे लेट से सी फोर एच एट था आपने सी फोर एच एट के दो आइसोमर बनाए थे ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन सी फोर एच एट का एक पॉसिबल आइसोमर ये भी बन सकता है वन टू थ्री फोर सबके साथ दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे ठीक है जी सी फोर एच एट अगर हमें कहा जाता है कि तीन आइसोमर बनाए तो हम तीसरा आइसोमर ये बना देते और इसका नाम क्या होगा साइक्लो ब्यूटेन ठीक है जी तो आई होप ये आइसोमेरिज्म बेटा सबको क्लियर हो गया होगा ठीक है अभी हम इसको यहाँ तक रखते हैं इन शाला तला नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किस जो हैं ये आपके साथ डिस्कस कर लूँगा तो कोशिश करते हैं ये अल्केंस जो हैं ये हम वीडियो लेक्चर्स में जो है वो कवर करें ताकि फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे न्यू uh, टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे ठीक है जी कोई भी चीज़ इसमें आपको समझ में ना आए तो आप uh, ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है जी अल्लाह हाफिज़